अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? आज ना हमें बहुत लेट हो गई है, हमारे सारे परिंदे भूखे खड़े हुए हैं। ये देखें किस तरह, ये देखें सारे आ रहे हैं। और ये देखें, मैं आज इनके लिए ना मिक्स दाना ले आया हूँ। ये देखें यार, आज ना बहुत ही भूखे हैं। ये देखें आज कबूतर हमारे हाथ पे ही आ गए हैं सारे, तो अभी ना इनको जल्द से जल्द डाल लेते हैं। निशान भाई इधर आओ यार, हाथ बटा इसमें यार। ये गंदम और भाई ये ज्वार है, ज्वार। अच्छा, लाल दाना नहीं होता। बाजरा नहीं है क्या आज? नहीं, बाजरा यार खत्म हो गया था, तो अभी ये डाल देते हैं बाजरा। वो शौक से खाते भी नहीं है, वो छोटा सा है ना इनका, वो शौक से ज्यादा नहीं खाते। ये वाला इनके लिए सही है, इससे पेट भी ज्यादा भर जाएगा उनका। यार उनको डालो यार, बहुत भूख लगी हुई है। मुझे दो यार, मैं डालता हूँ। हाँ चलें, डाल। वाकई यार बहुत भूखे हैं जाकर। हाँ थोड़ा सा वहाँ पे डाल दे, एक जगह पे नहीं डाले वरना इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर से। यार लेला और मजनू यहाँ पर आके खाएंगे। यार देखें हमारे परिंदे बहुत भूखे थे आज, हमारे जो यहाँ पे इनको दाना देने में थोड़ी सी लेट हो गई है। और अभी देखें सारे दाने पे आ चुके हैं और सारे अभी दाने में लगे हुए हैं। ये देखें कितने भूखे थे। इसको जाकर खोलते हैं आज ना, ये इनके साथ ही खाएं थोड़ा सा यार। जाकर वो नहीं खाने देगा सारों को, देखना। हाँ जावा बंद रहे, इनको बंद रखो यार, ये ना बड़ा शैतान। हाँ चलो भाई, हाँ चले, सही हो गया यार। ये वाला बच्चा देखें यहाँ पर निकला हुआ है ईशान भाई। अरे यार ये कैसे बाहर आ गया, माशाल्लाह बड़ा हो गया ना अभी, है ना, ये खुद ही बाहर निकल रहा है। ये देखें चले, सही है इसका। वो दूसरा हैंड टेम किया हुआ है, वो कहाँ पर है? वो नीचे रख दिया है मैंने अपने रूम में। यहाँ पर उसको ले आया करे ना, कभी कभी हाथ पे बिठाए उसको, घुमाए तभी वो हैंड टेम होगा। ऐसे थोड़ी बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा वो। अच्छा, उसको हाथ पे इस तरह घुमाते रहोगे, इस तरह उड़ाओगे, फिर ऐसे हाथ दो, फिर ऐसे हाथ लगाओ उसको, मतलब बिठाने की करो हाथ पे। अच्छा, उड़ा के फिर हाथ बिठाओ, हाथ पे आके बैठ जाएगा। चलो ये देखिए, अभी ये हैंड टेम नहीं है ना, ये हाथ पे नहीं बैठेगा। जहाँ जिसको मतलब जिधर मर्जी हो उसी बैठ जाएगा यहाँ। यार ये देखे ना, आज यहाँ ये बहुत ही भूखे थे और आज ना हमें बहुत लेट हो गई थी इनको दाना डालते हुए। हम ना कहीं बाहर चले गए थे तो इस वजह से इनको ना हमने दाना नहीं डाला था। तो मैं जैसे ही छत पे आया ना, आपने देखा कि ये ना मेरे हाथों से छीन रहे थे भाई कबूतर, तो उस बर्तन पे आके बैठ गए जिसमें मैंने दाना लिया हुआ था। तो ये देखें अभी ना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खा के पेट भर लिया है। ये देखें कुछ ऊपर चले गए हैं और अभी कुछ अंदर जा रहे हैं, तो हमारे बाकी परिंदे कुछ खा रहे हैं और कुछ ना ये देखें खा के उड़ गए हैं बाहर। और इनको ना पानी भी डाल लेता हूँ यार, इन्होंने पानी भी नहीं पिया हुआ, तो वहाँ पर बाल्टी पड़ी हुई है उससे निकाल लेते हैं पानी। डालते हैं पानी, ये देखें। चलो अभी सारे ना पीने लग जाओ, ये वाला ना इनको डाल देते हैं अंदर। चलो ये ना यहाँ पर पीते रहेंगे सारा। ये देखें अभी ना इनको मैंने पानी भी डाल दिया है और इन्होंने सारों ने खा पी के मतलब बहुत ही पेट भर लिया, लेकिन हमारा जावा भूख से अभी तक चिल्ला रहा है। और जीशान ना दाना नीचे से लेने गया था क्योंकि यार दाना ना हमारा ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से हमने ये थोड़ा सा ही बस ले आए हैं इनके लिए, और इनके लिए ना हम दूसरा ले आएंगे। आज ना दाना ख़त्म हो गया था, इस वजह से हमें लेट भी हो गई है दाना डालते हुए। यार जीशान भाई मुझे जो मैं जावे को डाल लेता हूँ, वो कब से चिल्ला रहा है यार। हाँ ये भी भूखा है सुबह से। ये देखे ना, चले भाई कबूतरों को भी काट रहे थे दाना खाते हुए। हाँ चलो तुम यहाँ पर ही खाते रहो। जाकिर वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप देखें परिंदों से भर गया है ना। आज ना कुछ सारे इकट्ठा लग रहे हैं ना, तो लग रहा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ परिंदे हैं। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारा मिनी जू अभी ना भर गया है परिंदों से, कबूतरों से, मुर्गों से, और भी कुछ चीजें रह गई हैं बाकी, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ले आएंगे। तो फिलहाल तो यार हमारे पास यही हैं, कुछ मुर्गे हैं, रैबिट्स हैं, और ये देखें डक्स हैं, और देखें यार कबूतर ही हैं बस। तो और भी हम मोर भी ले आएंगे, बाकी और भी चीज़ें रहती हैं जाकिर भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ले आएंगे। तो यार वहाँ पर देखते हैं कि हमारी शैतान मुर्गी ने ना अंडा दिया हुआ है कि नहीं। वो जो हमारी वहाँ पर खड़ी हुई है ना मुर्गी, गोल्डन मुर्गी ने, तो वो पहले ना अंदर देती थी अंडा, और उसको उसने जो ना हमारे कबूतरों के अंडे भी तोड़ दिए और बच्चे भी मार दिए।
तो अब ना वो वहां पर देती है ऊपर छत के ऊपर, तो देखते हैं क्या अंडा आज उसने दिया है कि नहीं। चलो यहाँ पर ये देखते हैं भाई, ये देखें आज ना यहाँ पर अंडा पड़ा हुआ है, ये देखें यार ताज़ा ताज़ा अंडा दिया हुआ है लगता है इसने, अभी अभी अंडा दिया है यार। ये देखें इसको ना तोड़ी चुपकी हुई है भाई, ये मतलब गीला अंडा है ये। यार पहले तो ना ये अंदर चली जाती थी और हमारा इसने ना बड़ा नुकसान भी कर दिया, बच्चे भी मार दिए और हमारे जो कबूतरी ने नए अंडे दिए थे ना वो भी तोड़ दिए। अब जाके उसको ना ऋषान भाई ने वहाँ पर ऊपर इसके इसको मतलब घोंसला बना के दिया था, बिठाने की जगह बना के दी, तो अब ना इस ये वहाँ पर ही देती है आज मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा अंडा है इसने वहाँ पर ही दिया हुआ है ऊपर, नहीं तो पहले तो ये बस हमारा नुकसान ही करती रहती थी। ऋषान भाई ये देख अंडा दिया हुआ है मुर्गी ने आज भी, अच्छा उसी जगह पे दिया है जिसने आप जहाँ पर आपने बिठाया नहीं था वहीं पर दिया हुआ है। चलो यार अच्छा हो गया, पहले तो ये अंदर चली जाती थी। हाँ चलो यार ये सेव करके रख लो, ये देखें जगह मैंने कल को बना के दी थी। अच्छा और गोरी और बिलकी के लिए घास ले आए क्या? हाँ ये ले, उनके डाल दी किसको? हाँ, गोरी और बिलकी डाल दिए, ये थोड़ी सी रैबिट्स के लिए। यार कुछ तो ज्यादा ले आते हैं ना इनके लिए रैबिट्स के लिए, ये मुर्गे भी सारे खा जाते हैं यार। वो देखें अंदर चले गए रैबिट्स, यहाँ पर खड़ा हुआ है एक, तो ये देखें अभी खा जाएंगे मुर्गे इनके। यार ये मुर्गे ही खा जाते हैं ना इसी, इस वजह से बोलता हूँ आपको थोड़ी ज़्यादा ले आया करें। चलो अंदर रख देते हैं ये, बाद में फिर आ जाएंगे ना रैबिट खुद ही खा लेंगे, यहाँ पर रख देते हैं भाई। चलो सागर भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार वो हमारे फैंसी और जो लक्की कबूतर है ना यार वो जोड़ा नहीं है बिल्कुल, उनको निकाल देते हैं, कोई अच्छे से जोड़े लेके आते हैं यार। यार ये ब्रीडिंग करते नहीं है, बच्चे देते नहीं है, इनको रखने में क्या फ़ायदा यार। वैसे आपकी बात भी सही है लेकिन वो प्यारे मुझे बहुत लगते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं करते यार, ये नहीं करते यार। मैं तो बोलता हूँ कल ना संडे मार्केट है वहाँ हाँ पर लेके चलते हैं इनको, बहुत अच्छा आइडिया ये आपका, चलें डन हो गया यार। इनको ना बेच के फिर दूसरे ले आते हैं अगर कोई अच्छे मिल गए, या अगर कोई दूसरे अच्छे परिंदे मिल गए ना तो वो वाले ले आते हैं, ले लेंगे। चलो भाई डन हो गया, वैसे भी कबूतर भी बहुत हो गए हमारे पास अभी। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो देहात में फार्म को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। यार ये देखें ये जो हम बॉक्स लाए हैं ना लकड़ी के डब्बे, ये हमने ना कबूतरों के लिए ले आए हैं, तो इनको ना यहाँ से साइडों से हटा के फिर इस तरह रख देंगे यार। चलें भाई जाकर ये लगा देते हैं, आ जाएं। चलो लगा के दिखाते हैं ये। ये देखें ये निकालें और ये वाली पट्टी भी निकाल दें। अब देखें ये इनका वीआईपी हो गया ना घर। चलो फिर भी ईटे निकालनी पड़ेगी जो अंदर पड़ी हुई है ना। हाँ यहाँ पर ये इनके ऊपर रखे है ना आपने, ईटे निकालनी पड़ेगी। चलो सही है, ये क्या इसमें ये भी निकाल लेते, ये खुद ही अपना जमा करते हैं घर। अच्छा हाँ चले सही, ये सही हो गया ना। अब ये ईटे निकालनी होंगी जाकिर। हाँ यार अच्छा फिलहाल रख दो फिर देखते हैं बाद में। चलो फिलहाल ऐसे रख देते हैं, फिर ये ना सारा सेटअप करते हैं। हाँ और भी दो बॉक्स लेने होंगे, वो भी ले आऊंगा तो फिर लगा देंगे इंशाल्लाह।